पागल है तू। अरे दीपक कहाँ गया? मैंने दीपक को कॉल किया, कहता थैंक यू। मैंने कहा किस बात का थैंक यू? कॉल अरे भाई करने दीपक भाई की आईडी चल गई भाई इतने दिन बाद। ही इज वेरी हैप्पी। यस तो उनको यस बोलो लाइव आए, जरा हमें थोड़ा तड़का लाइव तुड़का लाइव लगाए। वो भाई बहुत सारे पप्पू से आ अरे गया मैंने दीपक। उसको रिक्वेस्ट भेजी, मैंने दीपक को रिक्वेस्ट भी, उसको एक बार लाइव पे आके बोल तो सही के सबको हाया हेलो कर दे। अरे पनौड़ी भाई वो कह रहा मैं इस आईडी को छेड़ूंगा ही नहीं, और उसने खतरा बैठ गया दिमाग में, बहुत सारे पप्पू ओ से आ गया। अरे ऐसे कुछ लेकिन नहीं ये होता बालियान की आईडी पे आके हाय हेलो कर दे लोगों को, मैं ये बोल रहा हूँ तो। भाई बालियान मैं तो मुंबई मुंबई में हूँ। ना, वो पुणे। अच्छा, तो मुंबई चला गया, मैंने सोचा अभी भी तो पुणे में ही है ना इसलिए। ना नहीं ना, नहीं ये अभी बॉम्बे मैं है। 2-3 दिन बाद एक बार फिर जाऊंगा दीपक के पास, बिकॉज भाई उसकी आईडी वापस आई है तो बहुत मजा आया। अभी यार मेरी तो बात ये सुनो, मुंबई पनौड़ी उसकी उसकी आईडी उसकी वजह से गई थी, इसमें किसी को कोई दोष या कसूर नहीं है। अगर उसको ये लगता है कि हम लोगों का कसूर है, उसने एक लाइन में बोला कि सबकी भाई, वजह से किसी मेरी। ने दीपक की आईडी नहीं उड़ाई थी, इंस्टाग्राम वालों ने बैन की थी जैसे मेरी की है। ठीक हाँ है, मेरी भी आईडी मुझे मेल आया कि भाई 2 वीक बाद मेरी आईडी वो लोग मुझे रिव्यू करके वापस दे देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बार अब मेरी वो आईडी को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था, 1 साल में 15 बार मैंने गाइडलाइंस तोड़ी थी। ठीक बताओ। है, हाँ, और मुझे मेल भी आ गया था कि भाई इस डेट को तुम्हारा अकाउंट डिलीट हो जाएगा, मुझे एडवांस में मेल आ गया था। और तो तुमने दीपक के बोला भी भी साथ था, ये तुमने बोला हाँ, भी था, रो मत तो तेरी आईडी दीपक आ के जाएगी, हाँ रो मत रो मत, आईडी आएगी आईडी आएगी। तो मानता नहीं हाँ कोई बात, बता। वो मानता ही नहीं था, मानता ही नहीं था, अब क्या करे बताओ। और फिर भी तुमने 2-3 दिन में वो भी 40,000 हो गई, भोसड़ पप्पू भी। हाँ हाँ और तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ऐसे आईडी अगर एक गाइडलाइन, मिनट एक मिनट में एक मिनट में आ रहा हूं। क्योंकि नारंग जी ओके क्या होता okay. है, गाइडलाइंस आप तोड़ते हो अभी उस तू टाइम कह पे रही ही थी कि आपको। गाने के बाद वो रील करूंगी, कुंडी लगा लो सही है, कब करेगी? क्यों पागल बना रही पब्लिक को, मुझे लिख रही है। चलो कर रही हूँ। आदित्य है, आदित्य आदित्य है तेरा बालमा, ठीक है? अच्छा हाँ, ठीक है। कुंडी लगा लो सैया। सुन, हेलो, हाँ जी। नीचे टॉय रूम है एरो सिटी में है तो बता क्या सीन है क्लबिंग का। अरे नहीं नारंग, मैंने सुबह निकलना है, तुमको पता है ना। सुबह पता नहीं 6 घंटे बाद होगी, अपने रूम में पता ना क्या कर रही है जब से। नहीं, मेरा फ्रेंड आ रहा है, थोड़ा घूम कुंडी फिरने जा लगा रही ले हूँ। सैया। इसको मतलब मैं तुमको बता नहीं सकती, बहुत अच्छी सी बात, बहुत वायरल ये रही है, तो लोगों ने इतनी देखी, इतनी देखी। ओ माय गॉड। और एक वो वाली भी अच्छा बोलती थी सोनिया, जिसमें सोनिया मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं कभी ऐसी बात नहीं बोलता हूँ। बहुत लोग मतलब मुझे बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन किसी ने मुझे इस चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं किया कि भाई दीपक के भाई के साथ प्रॉब्लम हुई थी। मैं अपने सारे खर्च से, इवन मैंने ये बोल दिया था कि मैं वहां पे कुछ भी खाऊंगा तो मैं अपनी जेब से दूंगा, क्योंकि मैं आपके बुरे वक्त में आया हूँ, राइट? तो उस चीज के लिए मेरे को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया कि भाई मैं सारी चीजें छोड़ के खुद की फ्लाइट से गया, सारे काम किए। ओ तो यार, मेरी कोई इतना नहीं नहीं लोगों के यार पास बहुत, नहीं है टाइम, देखो कोई नहीं पता है सोचता। क्या है, नहीं, तो अभी सुनो, नहीं तो अच्छी चीजों को बोलना, कमेंट में लोग अच्छा बुरा बोलते हैं, तो अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है सोनिया। देखो अब एक सारी वो लगता है कि तू उससे प्यार करता है, और तूने अपने खर्चे पे इस बार उसकी आईडी उड़ी, तूने पैसे खर्चे और और मैं दीपक को दोबारा इतना फिर खुश अभी अभी इधर रखा, से मोटिवेट मुंबई से दिया। पुणे फिर जाऊंगा, हाँ, मुंबई से पुणे फिर और जाऊंगा, क्योंकि फिर देखो जाएगा। और भाई अपने पैरों पे आदित्य स्टैंड हुआ है, और किसी का इसमें वो नहीं है। ये लड़का जो भी बिल्कुल आज है अपने दम पे बना है, सबने इसको वो करा, मगर इसने दीपक के लिए बहुत सोचा, उसकी आईडी आई, 20-25 हजार खर्च के अगले ने अपने मेहनत से उसकी मोटिवेट किया, और भाई इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है आदित्य का, और भाई सच में बहुत अच्छा इंसान है। मैंने तो इतना देखा भाई, इतना पोलाइट है, कोई भी आता है गाड़ी बक के चला जाए कैसे भी है, मतलब हर किसी से भाई निकलता है इसके मुंह से, कभी भाई कोई इसके मन में ऐसी कोई अच्छा, बात आज इंडिया और नहीं। पाकिस्तान का मैच था, कौन जीता? इंडिया जीता, इंडिया इंडिया जीते, इंडिया। तो आदि वाह, अपने मैंने मन में पहले ये ही मत सोचा ना कि था। तू नहीं करता भाई, देख करता है वो, सबको दिखता भी है भाई, है ना? ठीक है, और बिल्कुल बिल्कुल, अब थैंक यू लो भाई। फील मत कर अपने, देखो तू जिस उस पे है ना, तो अपने आप को आगे और उठा, क्योंकि जीत छोटी छोटी बातें सोचेंगे ना फिर ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे भाई। मेरी बात है यार, बस इंसान हमेशा गालियां खा के नारंग आगे बढ़ता है, ठीक है? भाई इंसान इंसानों के को हाथ में आगे थोड़ी ना बढ़ने के लिए आती, बहुत अगर मेहनत देखो करनी पड़ती तू कोई है। अच्छा काम कर रहा है या किसी को बुरे वक्त में गया है, तो उसका इनाम कौन देगा? ना हम देंगे ना दीपक दे, ऊपर वाला देगा भाई, राइट, ऊपर इज वो तो ट्रू। देख रहा है।
वो तो देख रहे भाई। नारंग जी हैं, इनके लिए लोगों ने कितना कुछ बोला था, मैं आज भी जानती हूँ, बहुत कुछ बोला, लेकिन आज ये कहाँ पे अपनी सक्सेस पे बैठे हैं ना, लोग खुद इनके पास जाते हैं, ये नहीं जाते लोगों के पास, लोग खुद इनको फोन करके बुलाते हैं। जब मैं दीपक सोनिया को इतने उतना करा, देख कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, सोनिया आई दिल्ली, हमने कितना करा, ये तो पूरी दुनिया खिलाफ है इसके भी, नहीं तो हम कहते भाई हमारी यार है भाई, खास है अपनी, बिल्कुल बताओ, बिल्कुल तो आज तक भी कहते दिल्ली में भाई हमारी बात कराओ सोनिया से, फलाना है, कितने लोगों से बात करते हैं भाई कैसी हुई है, दिल से अच्छी है भाई, हम तो करते हैं ना अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट, तो भाई रियल फ्रेंड होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, देखो हर कोई प्यार करता जीते है। और क्या, हम तो यही बोलते हैं, देखो कि यू नो नारंग जी, देखो किसी का फैमिली मैटर में अगर हम बोलेंगे ना तो चार लोग और हमारे साथ ऐड होके बोलेंगे, मानते हो ना, वो उनके लिए अच्छा नहीं बोलेंगे, वो पता है क्या कहेंगे, अरे मैं भी उसको बोल रहा था ऐसे करो वैसे। मैं उस दिन ना बहुत शेम ऑन फील कर रही थी जब वो पनौड़ी ने लाइव चला रखी, मैं नाम नहीं लूंगी, वो लोग तो झट से मेरे पीछे ऐसे ही पड़ जाते हैं, मुझे पता है उनका, तो किसी के लिए ना बोलो, ठीक है उसकी फैमिली मैटर है, वो जाने यार, ठीक। और सभी लोग मुझे स्नैपचैट पे फॉलो करना, सोनिया अरोड़ा 7477, मेरी हॉट और सेक्सी वीडियोस देखने के लिए मुझे स्नैपचैट पे जरूर फॉलो करें, सोनिया अरोड़ा 7477, लिंक इन बायो, और मेरा गाना जरूर देखिए बालमा। नारंग तुम्हारा गाना कब आ रहा है भाई? गाना वो रविंदर भाई का शूट चल रहा है, वो तो प्रीव्यू कॉपी वगैरह तो आ गई है, टी सीरीज पे लॉन्च करना था, अब ये प्रीव्यू कॉपी तो आ गई है पूरी बन के, अब देखो 15 दिन पीछे उनका शूट चल रहा है जयपुर में रविंदर भाई का, तो इसमें रविंदर को क्या करना है, मूवी का शूट चला ना, सलमान खान मूवी प्रोडक्शन की कोई मूवी है, तो उनका शूट चल रहा है जयपुर में बीजी 1 महीना, कुछ भी और बताओ, पूरा रुक गया, अच्छे नहीं लगते, चलो ठीक है आप लोग अपनी लाइव एंजॉय करो पनौड़ी, तो बस मैंने मैं ही लाइव भाई, आज संडे है, मैं भी लाइव बंद कर रहा हूँ, ठीक है, तो ताकि एक गाना करेंगे, सुन सोनिया, पनौड़ी भाई को बुला लेंगे दुबई, ठीक है, यहाँ से चली जाएगी दुबई, यहाँ से आ जाएगा आदित्य, यहाँ से आ जाएगा दीपक कलाल मेरी गैल, ठीक, बस पांचों करेंगे एक बढ़िया गाना। अरे सोनिया के पास पासपोर्ट नहीं, आधार कार्ड है इसके पास, सोनिया के पास पासपोर्ट नहीं, अरे दुबई जा रही है आज, दुबई, अरे अभी वो जा रही है दुबई या बैंकॉक की फ्लाइट है उसकी रात की, कौन सी एयरलाइन से, एक सोनिया कौन सी एयरलाइन से जा रही हो? इंडिगो। अच्छा इंडिगो इंटरनेशनल है, हाँ क्या बात कर दी, इंटरनेशनल फ्लाइट, इंटरनेशनल नहीं है वो, सिर्फ दुबई तक जाती है। अच्छा मतलब इंटरनेशनल कौन सी, तो इंटरनेशनल बैंकॉक में नहीं आता? हाँ वो तो भाई देखो अब ये है, मैं फ्लाइट उससे जाती ना एमिरेट से, बढ़िया फ्लाइट में, तूने भी बैंकॉक के, नहीं नहीं ये एक्चुअली बस यार मेरी इमरजेंसी में फ्लाइट हुई क्योंकि सारे फ्रेंड मेरे वहां पे पहुंच गए, देखो ये रहा मेरा बैग, ये देखो 5000 विजिटिंग कार्ड छपवा ले, एयर होस्टेस को दे दिए गनू के, बटवा दो, मैं सोनिया अरोड़ा हूं, फॉलोवर बढ़ेंगे, बढ़वा दो, क्या बढ़वा दो अंदर, अरे 5000 विजिटिंग कार्ड ले जाकर पर्स में रख के वो एयर होस्टेस को दे दूंगे, बांट दो पूरी फ्लाइट में, क्या दिक्कत है? तो ये बालियान तू ये बालियान तू ये बॉम्बे क्यों गया है? भाई आप लोगों की दुआ से मेरे वेब सीरीज का थोड़ा कुछ चल रहा है, तो मैंने कहा था कुछ अच्छा करूंगा, और ये तो लोग नीचे कमेंट कर रहे कि किसी बंदी से मिलने गए हैं, नहीं 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 अच्छा अच्छा भाई ये स्ट्रगल कर रहा है पनौड़ी भाई, थोड़ा ये चाह रहा है कि लाइव वाइव से दूर हो गए, ये अपनी जिंदगी बना ले, मतलब इसको अब थोड़ा यूट्यूब से भी आने लग गया है, और अभी वेब सीरीज जब मॉडलिंग के लिए मतलब पूरा सेट होएगा, मतलब बेकार चीजों से दूर होना चाहिए। यूट्यूब में पनौड़ी भाई का सहयोग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूट्यूब के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई पनौड़ी भाई को, और यूट्यूब पनौड़ी भाई हकीकत में अपने पैरों पे खुद स्टैंड हुआ है लड़का, और मतलब वाकई गरीब फैमिली से, मतलब कभी आज तक इसने वो नहीं करा, और दीपक की आईडी वोडी अभी अपने खर्चे से वैसे भी मतलब पूरा सपोर्ट कर दिया, ये नहीं की भाई उसने कराया या वो है, वाकई में दीपक से बहुत प्यार करता है। भाई मैं तो ये मानता हूँ कि जितने भी पिछले 1.5 साल में जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे फेमस हुए हैं, ठीक है, जितने भी लोग नॉर्थ इंडिया से, जैसे बालियान है, सुमित भाई है, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो भाई मैं तो ये मानता हूँ कि भाई ऑलवेज यू हैव टू रिस्पेक्ट दीपक कलाल, के उसकी वजह से ही पूरा चेन यू नो इतना इतना क्रिएट हुआ, और मैं भी दीपक को ही, मैं तो दीपक को हमेशा बोलता हूँ कि भाई मैं तो दीपक का टट्टा हूँ, मैंने तो दीपक को बहुत बार बोला कि भाई मुझे कोई
इंडिया के लिए अकाउंट नहीं बनाना है, मेरा तो पहले प्राइवेट अकाउंट था ना, वो अकाउंट अभी भी है मेरा। लेकिन दीपक ने मुझे फोर्स किया कि पनोडी भाई आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ही जबरदस्त है, आप बना लो बना लो बना लो। उसने मुझे फोर्स किया था कि अकाउंट बना ले भाई तू अपना, तो मैंने अकाउंट बनाया और फिर मैं फेमस हुआ इंडिया में, वरना मैं भी शायद फेमस नहीं होता अगर मैं अपनी प्राइवेट आईडी से आता तो। तो जो कुछ भी है भाई, आज सब लोग फेमस हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मेरी प्यारी हिजड़ी दीदी, और आज मैं बहुत खुश हूँ। एंड दीपक की अकाउंट, मैं तो मैं बात सुनो मरोड़ी भाई, झूठ नहीं बोलूंगा, देखो दिल्ली गुड़गांव में तो हम वैसे भी शुरू से ही फेमस थे, मगर तुम्हारे और दीपक कलाल की वजह से लड़कियां बहुत आ गई मेरी लाइफ में भाई, सच्चाई है। Show me how you work. ठीक, जो सच्चाई है, जो नहीं नहीं सच्चाई भर जाती है, हमारी बात करो, फलाना करो, ऐसे करो, तो भाई ये चीज में पॉजिटिव वाइब्स आई। क्यों सोनिया? और हिची दीदी, तुम्हारा अकाउंट आया है तो उसकी केक फिर से मैं बलाजियो में काटूंगा, अब जब हम जाने वाले हैं। एक बार दीपक को लाइव पे आके, चाहे वो किसी को ऐड ना करे, लेकिन एक बार लाइव पे उसको आके खुश, लोगों को खुशी देनी चाहिए, यू नो नारंग, क्या लगता है तुमको? भाई वो सबको बोलना चाहिए। वो कह रहा है मैं भोसड पप्पू आईडी से आऊंगा लाइव, उस पर तो हाथ ही नहीं लगाएगा, उन्होंने कहा मैं तू पंगे ना लूंगा। क्या यार, नहीं सोनिया एक बात, बहुत दुख होता है, देखो उस बंदे ने यहाँ तक आने के लिए पूरी जिंदगी दी अपनी, पूरी लाइफ। मैं तो इस चीज से पीछे ही नहीं हट रही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और जब मैं देखो उनके पास गया ना, देखो वो हम लोग कहीं कई घंटे बैठ के बात करते हैं जब साथ में रहते हैं, ही इज वेरी नाइस पर्सन। और भाई उसके अंदर ये देखो कोई भी चीज हो, वो एक ही बात बोल लेते कि यार 7-8 साल दिए है मैंने, और पता ना घबरा जाता है अंदर से सोच सोच के। और फिर उनका भाई भाई वो सोनिया की वजह से आईडी उड़ी थी उसकी, वो कह रहा है इसने गंदी वीडियो बना ली है, सोनिया ने वायरल कर दी है, वो कह रहा है इसने मैंने कर दी वायरल उसके फोन में वीडियो, और वायरल मैंने ऊपर उसके दीपक के ऊपर बैठ के अंगूर खा रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, एमएमएस तैयार हो गया इनका इंडिया में दोनों का, वो एमएमएस तो आज तक इतना वायरल हो रहा है और अभी तक हो रहा है वो वायरल इंडिया में। गदर मचा दिया भाई, जहाँ जाता हूँ ये देखो क्या कर रहे हैं दोनों, मैं ये अपनी खुशी से कर रहे हैं दोनों, क्या कर रहे हैं। सही बात है। अब देखो भाई वो मेरा पति है, सबको पता ही, मैं उसकी वाइफ हूँ। तो हिजड़ी दीदी तुम्हारा जो तुम्हारा फेवरेट होटल्स है, कैसीनो एंड होटल जिसको बलाजियो बोलते हैं, उसमें मैं काटूंगा तुम्हारे, ये तुम्हारा अकाउंट वापिस आया उसकी खुशी में केक, जब मैं और गोल्डी भाई सब लोग मिलने वाले हैं मेरी बर्थडे पे और गोल्डी भाई की बर्थडे पे। राइट। और दूसरी बात ये है ना, दूसरी भाई दुबई कितने दिन तक है भाई तू? और दूसरी बात, एक मिनट रुक, ओ बहन चोद मैंने रेड लाइट ही तोड़ दी भाई, तुम्हारे तो अरे कैम यहाँ पे तो बहन चोद आप उस कैमरे वो पिक्चर भी ले ली कैमरे ने। एनीवेज तो मैं ये बोल रहा था कि मेरी बर्थडे पे ये क्या नाम है अपना 200 किलो जैनिस और दूसरा जो पटेल, राइट, पटेल को सब जानते हैं, तो भाई ये दोनों ने मुझे जो अभी नया फोन लॉन्च हुआ है सैमसंग जेड फ्लिप फ्लॉप के ऐसा कुछ नाम है, तो इंडिया में उसकी वैल्यू शायद 1.5 लाख रुपया है, तो वो दोनों भाई मुझे वो फोन देने वाले। ओह माय गॉड। हाँ वो दोनों ने मिलके फोन मेरे लिए बुक कर दिया है, तो ये दोनों बंदे मुझे 1.5 लाख का फोन देने वाले हैं मेरी बर्थडे पे। आज की तभी सच्ची मोहब्बत ऐसी दिखती है, अंदर कपड़ों में नहीं दिखती, कुछ नया करना पड़ता है सच्ची मोहब्बत के लिए जानू। ठुकाई ना करो सैया, छुपा ना लगाओ सैया, नहीं तो टांग उठाती मैं ओए होए होए, बुंड ना मारो सैया, वरना मुंह में ले जाती मैं ओए होए, घोड़ी ना बनाओ सैया, वरना बुंड ना देती ओए होए होए हो। आई एम वेरी हैप्पी कि इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, सीरियसली उनको अच्छा लगता है कि सोनिया जब लाइव पे आती है कॉमेडी करती है। सिर्फ पूरे इंस्टाग्राम में मैं एक ऐसी बंदी हूँ यू नो पनौड़ी की, मैं सबके साथ हर तरीके से मैच हो जाती हूँ, तभी लोग मेरे जलने वाले मुझसे जलते हैं। कुछ तो तेरे को भाई लॉन्च भी तो पनौड़ी भाई ने दीपक ने कराया इंस्टाग्राम पे।
इंस्टाग्राम पे मैं स्नैपचैट से ज्यादा वायरल थी. नहीं 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 मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी दीपक, तो मुझे बाद में मिला था. एक मेरी केले वाली वीडियो वायरल हुई थी सबसे ज्यादा, उसमें मैं केला चूस रही थी, वो हैरी गुजराल के पास भी थी, वो 2 मिलियन में गई थी. और केला खीरा तो मैं शुरू से लेती हुई आ रही हूँ, देखो तो आई एम वेरी हैप्पी. वो तो मेरा एक बॉर्न फ्रूट है. जब मैं पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने मेरे मुंह में केला ही दिया था. तो केला लेना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है. केले से एनर्जी बढ़ती है, ताकत आती है, और भी बहुत सी चीजें चमक लगती. देखो मेरी खूबसूरती का राज सिर्फ केला केला केला. मैं केला हद से ज्यादा लेती हूँ, सीरियसली. इतना मियां खलीफा है मेरी. मैं अपनी आईडी का नाम चेंज कर रही हूँ, सोनिया खलीफा लिख रही हूँ. कैसा रहेगा सोनिया खलीफा? सोनिया खलीफा सच में यार, अरोड़ा परोड़ा चेंज कर रही हूँ. मैं नहीं रखना चाहती अरोड़ा परोड़ा. लोग कहते ले तूने पंजाबियों का नाम डुबो दिया. क्या डुबो दिया यार, मैंने रोशन किया है सबका नाम. तो मैं मियां खलीफा तो नहीं रख सकती, लेकिन हाँ सोनिया खलीफा जरूर रखूंगी. क्योंकि खलीफा सिर्फ दो ही है इंस्टाग्राम पे, एक मियां खलीफा एक सोनिया खलीफा. ठीक है ना. चलो मैं थक गई हूँ हील्स डाल डाल के. मैं उतारती हूँ, थोड़ा बदन चकना चूर हो रहा है मेरा. अरे भैया कोई आएगा आज मेरे कमरे में? नहीं, मैं तो सोचू कोई वेटर कोई बुला लेती हूँ आज बहाने से स्मार्ट से. क्यों क्यों ना रहो? चलो तो भैया मैं भी लाइव वाइंड अप कर रहा हूँ. तो गाइस मिलते हैं कल टुमारो कुछ नई बातों के साथ. अरे नहीं 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 अब मैं नहीं लूंगा. लाइव चला ले अपनी आर ये सोनिया. क्योंकि यू नो कि पनौड़ी मैंने तुम्हें कभी या बालियान लाइव चला. मैं नीचे बैठा हूँ. ठीक है चलो भाई मिलते हैं. मैं नहीं चलाऊंगा अब लाइव, बात खत्म. ठीक है चलो चलो ठीक है. ओके बाय.